कई बार आपने देखा होगा कि किसी चैनल पर टी सीरीज के या फिर किसी भी दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर्स का लाइव काउंट चल रहा होता है। कोई भी चैनल जब किसी माइलस्टोन को कंप्लीट करने वाला होता है तो आप अपने चैनल पर उसके सब्सक्राइबर्स का लाइव काउंट दिखा सकते हैं और इस पर भी काफी अच्छे व्यूज आते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि अपने चैनल पर किसी भी दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लाइव काउंट को लाइव कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चैनल पर किसी भी दूसरे चैनल के लाइव सब्सक्राइबर काउंट्स को दिखाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, OBS स्टूडियो। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आप यहां विंडोज पर क्लिक करेंगे और यहां पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है अपने PC में। इंस्टॉल करना इजी है, जस्ट आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। OBS आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप जस्ट यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, या फिर यहाँ डेस्कटॉप पर देखिए एक आइकन बन करके आ गया है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी OBS यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। यहाँ से आप इसको नो कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ आपको ब्राउजर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई एक नाम दे देना है, जैसे कि हम नाम दे देते हैं लाइव। इसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको किसी वेबसाइट का URL डालना है जो लाइव सब्सक्राइबर काउंट शो करती है। तो इसके लिए आप कोई वेबसाइट फाइंड करेंगे। 3 वेबसाइट्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है सोशल ब्लेड और सेकेंड है यहाँ पर noxinfluencer.com और थर्ड यहाँ पर akshatmittal.com। ये तीनों ही वेबसाइट्स लाइव सब्सक्राइबर काउंट्स दिखाती है। जैसे कि यहाँ सोशल ब्लेड में आप टाइप करेंगे उस चैनल का यूजर नेम जिसके सब्सक्राइबर्स को आप लाइव दिखाना चाहते हैं और आप सर्च करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ लाइव का एक बटन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइव सब्सक्राइबर काउंट चल रहा है। noxinfluencer.com से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस चैनल का नाम डालेंगे जिसके सब्सक्राइबर्स को आप लाइव दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ईशान टाइप किया तो ईशान LLB हेल्थ मॉनिटर सब आ रहे हैं, यहाँ पर मैं मॉनिटर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ लाइव सब काउंट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर लाइव सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। इसके बाद थर्ड वेबसाइट है अक्षत मित्तल, इसमें यहाँ पर आप उस चैनल का नाम डालेंगे जिसके सब्सक्राइबर्स आप शो करना चाहते हैं और इसके बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस चैनल के लाइव सब्सक्राइबर्स यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब बस आपको ये करना है कि इन तीनों वेबसाइट्स में से जो भी आपको अच्छी लग रही है उसके URL को आप कॉपी करेंगे इस तरह से, या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लाइव सब्सक्राइबर काउंट शो करती है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर चैनल को सर्च करेंगे और इसके बाद आप यहां से URL को कॉपी करेंगे और आप यहां अपने OBS सॉफ्टवेयर में आएंगे और यहां पर उस URL को पेस्ट कर देंगे। नीचे यहां पर है साइज विथ और हाइट, विथ में यहां पर आप डाल दीजिए 1200 और हाइट में यहां पर आप डाल दीजिए 800। इसके बाद आप ओके करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू आने लगा है। अब आप इसको यहां पर अपनी स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, जितना भी आप शो करना चाहते हैं वो आप यहां पर कर सकते हैं। यहां स्क्रीन पर जैसा भी शो होगा वैसा ही आपके चैनल पर लाइव शो होगा, तो आप यहां पहले ही एडजस्ट कर लीजिए लाइव जाने से पहले। अगर आपको यहां पर लिंक चेंज करना है या साइज चेंज करना है तो बस आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से आप लिंक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं किसी और वेबसाइट का लिंक ले लेता हूं, अक्षत मित्तल का यहां पर मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, ओके। यहां से साइज आप चेंज करेंगे और ओके कर देंगे तो यहां पर इसका ही प्रीव्यू शो होने लगेगा। इसको भी आप इसी तरह से यहां पर एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी आप शो करना चाहते हैं अपने चैनल पर उतना ही आप यहां पर बाकी रखिए। इसके बाद जस्ट आपको यहां स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ ओपन सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप स्ट्रीम में जाएंगे और यहाँ से आप YouTube गेमिंग चूज कर लेंगे। इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने चैनल पर गेम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम की डालनी होगी, जिसके लिए आप यहाँ गेट स्ट्रीम की पर क्लिक करेंगे। ये डायरेक्ट आपके चैनल पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा और नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप डाल देंगे टाइटल, आप टाइटल क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइटल मैंने डाला हुआ है ईशान मॉनिटर लाइव सब्सक्राइबर काउंट टेस्ट। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप उस वीडियो में क्या डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं। कैटेगरी चूज कर लेंगे, प्राइवेसी आप यहाँ पर पब्लिक रखेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ये सर्वर URL है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। स्ट्रीम की आपको जरूरत है तो आप यहाँ रिवील पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस की को कॉपी कर लेंगे, ओके। कॉपी करने के बाद आप OBS में आएंगे और यहाँ स्ट्रीम की में पेस्ट कर देंगे अपनी की को और इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके। इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए बस आप यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीम
स्ट्रीमिंग यहाँ पर देखे स्टार्ट हो चुकी है। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूजर को कैसा शो होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। इस ब्राउजर में यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ youtube.com और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ईशान गुरु, जिस चैनल पर मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। यहाँ पर ईशान गुरु के नाम से काफी सारे चैनल्स हैं, लेकिन सभी फेक हैं, सिर्फ ये यहाँ पर रियल है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुकी है। लाइव नाउ आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक यूजर वॉच भी कर रहा है और यहीं से आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। ये यूजर व्यू है, मतलब कि दूसरे किस तरह से इसको देख रहे हैं। तो देखिए जो टाइटल हमने डाला है वो यहाँ पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन हमने कोई ऐड किया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ये है आपका चैनल, तो जितने भी लोग चैट करेंगे वो यहाँ पर आएंगे और यहीं से आप उसके आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हे, नीचे यहाँ पर एनालिटिक्स शो होता है, जैसे कि अभी एक यूजर वॉच कर रहा है। जितने भी यूजर वॉच करेंगे वो सब यहाँ पर शो होंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकते हैं। जिसको भी आप ये लिंक शेयर करेंगे वहाँ पर लाइव वॉच वो देख सकता है। अब ये तो बात हुई कि आप एक ही चैनल के लाइव सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं दो चैनल्स को एक साथ, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पर जो कंपेयर दिखाती हो। जैसे कि यहाँ पर हम अक्षत मित्तल को ले लेते हैं, कंपेयर मल्टीपल पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप दोनों चैनल के यूजर नेम डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट यहां से मैं चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं ईशान मॉनिटर और यहां पर हम डाल देते हैं ईशान LLB। ये जिस चैनल के भी आप शो करना चाहते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो दोनों चैनल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से URL को कॉपी कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम URL को चेंज कर देंगे, URL को चेंज करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि हम इसको यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे ये दोनों यहाँ पर क्लियरली शो हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर और इसको छोटा कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब बस लाइव जाने के लिए आप यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे और देखिए स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग है जो हम एंड कर चुके हैं और यहाँ पर ये सेकंड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए चैट भी आना शुरू हो गई है, आप भी यहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ लाइव डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं लाइव चल रहा है और जितनी भी चैट आ रही है वो सब यहाँ पर आ रही है, आप यहाँ इनका आंसर दे सकते हैं। सो एक तरीका है अपने चैनल पर किसी भी दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को लाइव दिखाने का और दो चैनल को एक साथ कंपेयर करने का। इसके बाद आप यहां स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे, स्ट्रीमिंग यहां पर स्टॉप हो जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।